आज की इस वीडियो में हम लेडीज़ कुर्ती में जेंट्स कॉलर लगाने का तरीका बताएंगे, जिसमें मैं आपको कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बताने वाली हूँ। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने कुर्ती के लिए दो पीसेस कट कर लिए। ये मैंने जो है फ्रंट और बैक के अलग अलग पीसेस कट किए हैं। ये सिर्फ मैं आप लोगों को वीडियो बताने के लिए यहाँ पर पीसेस ली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड के लिए हम जो है नेक की विड्थ होंगी, चौड़ाई वो 3 इंच लेंगे, और लेंथ जो लेना है हमें नेक की वो 7 इंच लेना है। इससे ज़्यादा अगर आप डीप चाहें तो हाफ और 1/3 ले सकते हैं आप एक्स्ट्रा में, ज़्यादा डीप ना लें। अब यहाँ पर हमें जो है नेक को थोड़ा राउंड कर देना है 3 इंच पे, और 4 इंच जो नीचे का है वहाँ से हमें कट बनाना है, स्लिट बनानी है। तो इसलिए 3 इंच पे हमें जो है नेक को राउंड में ले लेना है। अब यहाँ से हम जो है नेक को 4 इंच पे कट कर लेंगे। तो ये देखिए, कट होने के बाद में हमारा नेक जो है फ्रंट साइड का इस तरह से कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इसके बाद में हमें जो है बैक साइड लेना है। बैक साइड को भी हमें रॉन्ग साइड जमाना है, और उसके बाद में दोनों ही शोल्डर यहाँ पर आपस में जोड़ लेने हैं। पहले जोड़ने के पहले हमें जो है शोल्डर जोड़ने के पहले जो हमारा स्लिट है उसे हमें तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने देखिए फैब्रिक लिया है सेम कलर का, और उसमें हमने पेस्टिंग पेपर यहाँ पर स्टिक कर ली है। आयरन प्रेस की मदद से यहाँ पर मैंने पेस्टिंग पेपर चिपका लिया है। उसके बाद में हमें इस पेस्टिंग पेपर और फैब्रिक को 3 साइड से इस तरह फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है, बेल आइकन को भी साथ ही साथ क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरे नए वीडियो सबसे पहले मिल सके जल्दी से जल्दी। अब ये देखिए, हमने जो सिलाई लगा ली है हमारे फैब्रिक पे, उसे हमें इस तरह से राइट साइड में रखना है, और हमारा जो मेन फैब्रिक है कुर्ती का फ्रंट साइड, उसे रॉन्ग साइड रखना है, उसके ऊपर उल्टा रखना है। और इसके बाजू से हमें बस एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई लगानी है, बिल्कुल एक पैर का ही सिलाई लगाएंगे हम, आधा इंच भी नहीं लेने हमें। और नीचे की तरफ हमें जो है थोड़ा क्रॉस में उतारना है जहाँ तक हमारा कट था, और उसके बाजू से फिर हमें वापस से ऊपर की तरफ सिलाई लानी है। तो ये देखिए, इस तरह हमें सिलाई लगा लेनी है। अब सिलाई लगाने के बाद में जहाँ तक के हमारा जो है सिलाई थी वहाँ तक हमें कट लगाना है, ताकि इजीली जो है पलट सके, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम नेक बनाते हैं नॉर्मली, उसी तरह हमें स्लिट बनानी है फ्रंट साइड में। अब पलटने के बाद में हमें इसे अच्छी तरह से प्रेस करके सिलाई लगा लेनी है, प्रेस सिलाई, ताकि ये जो है हमारा नीचे बकरम के साथ में फैब्रिक अच्छी तरह बैठे रहे। ये देखिए, मैंने सिलाई लगाकर जो है स्लिट को तैयार कर लिया है। अब एक्स्ट्रा का जो हमारा फैब्रिक का बकरम है उससे हमें कट करके निकाल लेना है, और हमारे नेक के शेप में बिल्कुल ले लेना है, राउंड शेप में। अब दोनों ही फ्रंट और बैक के शोल्डर को आपस में हमें ज्वाइन कर लेना है, सिलाई लगाकर सिल लेना है। डबल सिलाई लगाएं ताकि हमारी सिलाई जो है पक्की रहे। अब उसके बाद में जब हम शोल्डर ज्वाइन कर ले, तो ये हमारा बैक साइड जो है थोड़ा बड़ा कटा होता है, फ्रंट साइड छोटा कटा होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें जो है आर्म होल मिलाकर सेंटर लेना होता है स्लीव्स ज्वाइन करने के लिए, उसी तरह हम बिछाएंगे। तो बैक साइड का गला भी हमें थोड़ा कट करना होता है इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ हमने 1 इंच जो है एक्स्ट्रा लिया है बैक साइड का, तो 1 इंच हम यहाँ पर हम कट कर लेंगे बैक साइड के नेक के लिए। कॉलर जोड़ने के पहले हमें 1 इंच कट करना होगा।
अगर इस तरह कॉलर की कुर्ती की कटिंग आप लोगों को नहीं आती हो, अगर आप जानना चाहते हो किस तरह करना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसकी कटिंग भी बताऊंगी और साथ ही साथ स्टिच करना भी बताऊंगी। तो ये देखिए हमने बैक साइड का नेक जो है 1 इंच डीप करके थोड़ा क्रॉस में लेते हुए फ्रंट साइड के नेक के साथ में इसे कट कर लिया है। तो इस तरह हमें बैक साइड का नेक कट करना है और उसके बाद में हमें कॉलर के लिए मेजरमेंट लेना है। तो कॉलर बनाने के लिए हमें जो है नेक का मेजरमेंट लेना होगा, इसके जो है कितना राउंड में नेक राउंड कितना आया है इसका पहले हमें पता लगाना है, तभी हम कॉलर कट कर सकते हैं। तो यहाँ पहले हमें इस तरह डबल फोल्ड करना है और बैक साइड के नेक पे सेंटर मार्क कर लेना है ताकि कॉलर लगाते समय हमें जो है सेंटर मिले तो हमारा कॉलर सही बैठता है। इस तरह हमें डबल में इसे पहले मेज़र ले लेना है कितना आ रहा है हमारा नेक राउंड। धीरे धीरे आप टेप को इस तरह से घुमाते जाए नेक पर पूरे राउंड में, तो इस तरह हमारा हाफ नेक राउंड मिलेगा हमें 8.5 इंच। यहाँ पर हमारा नेक राउंड हमें मिल रहा है 8.5 इंच 8.5 इंच। ये अभी हाफ में है यानी कि ये खुलने के बाद में जब हम डबल करें तो ये खुल के पूरा 17 इंच का हो जाएगा। तो हमें 17 इंच टोटल हमारा जो है कॉलर कट करना है। तो यहाँ मैंने पेस्टिंग पेपर लिया, आप चाहे तो पेस्टिंग बुकरम भी ले सकते हैं, पर मैं यहाँ थोड़ा सॉफ्ट फैब्रिक यूज़ कर रही, इसके लिए मुझे सॉफ्ट रखना है। तो आप जिस भी तरह का बुकरम लेना चाहे ले सकते हैं। अब यहाँ हमें जो है फोल्डिंग वाले साइड से 2.5 इंच पे मार्क करना है और जो ओपन साइड है हमारे बुकरम का वहाँ पर ऊपर की तरफ 3 इंच पे मार्क करना है। अब हमें जितना भी हमारा आया है हाफ नेक राउंड, तो यहाँ 8.5 इंच आया था हमारा, तो नीचे की साइड हम 8.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब ये दोनों पॉइंट जो है इसे हमें स्केल की मदद से सीधा मिला लेना है। देखिए ये जो जेंट्स कॉलर है ये बिना झंझट के बिना किसी प्रॉब्लम के इजीली आप बना सकते हैं, डबल कॉलर का भी कोई इशू नहीं है इसमें। आप एक ही कॉलर को जेंट्स कॉलर का लुक दे सकते हैं, इसीलिए मैं ये जो मेथड है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ जो हमने पॉइंट मार्क किया था वहाँ से 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है और इस तरह नीचे की साइड से जो हमने 8.5 इंच लिया है वहाँ से क्रॉस ऊपर की तरफ मिला देना है, यानी कि हमें नोक निकालनी है यहाँ से थोड़ी। तो यहाँ पर मैंने 1 से 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेकर इसे मिला लिया है। तो इस तरह हमारा कट के निकल जाएगा, जिस तरह हमने मार्क किया है बिल्कुल उसी तरह हमें इसे कट करके निकाल लेना है। तो ये देखिए हमारा जेंट्स कॉलर जो बनाना है हमें लेडीज कुर्ती में बिल्कुल इजीली कट चुका है। आपको डबल कॉलर बनाने की कोई इशू नहीं है इसमें, एक ही बार में एक ही कॉलर में आपका जो है जेंट्स कॉलर का लुक आ जाएगा। अब यहाँ हमें जो है एक्स्ट्रा का जो फैब्रिक होता है वो लेना है और उस पर इसे पेस्ट कर लेना है, आयरन की मदद से अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद में मैंने यहाँ पर एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ कट कर लेना है सभी साइड से बकरम को। इस साइड से भी हमें जो है एक्स्ट्रा का फैब्रिक कट कर लेना है, बस एक पैर का मार्जिन छोड़ना है। अब जो है हमें ये साइड थोड़ा टर्निंग पॉइंट होता है तो यहाँ हल्के कट्स लगा लेंगे, या अगर आप एक पट्टी और लेने के बाद में जब सिलाई लगाए तब भी कट लगा ले। अब इसे रॉन्ग साइड में जो नीचे की तरफ होता है जहाँ से हमारा कॉलर ज्वाइंट होगा,
तो वहाँ से हमें इसे फोल्ड कर लेना है इस तरह से। अगर आपका टू साइडेड पेस्टिंग पेपर है या पेस्टिंग बुकरम है तो आप उसे दोनों साइड से पेस्ट कर स्टिक कर सकते हैं आयरन की मदद से, या अगर एक ही साइड स्टिक होता है तो आप मेरी तरह सिलाई भी लगा सकते हैं। अब हमें जो एक्स्ट्रा का और फैब्रिक बचा हुआ है उसे यूज़ करना है। यहाँ पर इस तरह से हमें जमाना है इस पर, और यहाँ हमें जो तीनों साइड है वहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल बकरम के बाजू से आपको सिलाई लगानी है, बकरम के ऊपर नहीं चढ़ाना है या उसके थोड़ा हट के भी नहीं लगाना है, बिल्कुल बकरम से बाजू में हमें सिलाई लगानी है इसे। बुकरम के गले, ये जो कॉलर बनते हैं उसकी कॉर्नर जो हमें निकालनी होती है उसके भी कुछ टिप्स हैं, मैं आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करूंगी। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर मैं जो एक्स्ट्रा के फैब्रिक बचे हैं या हमने जो बुकरम वाले जो फैब्रिक जितना कट किया था बिल्कुल उतना ही हमें ये इस साइड का भी जो फैब्रिक है उसे भी कट करके निकाल लेना है, और कॉर्नर्स को हमें जो है अच्छी तरह से पलट जाए इसके लिए हमें जो है कट्स लगा लेने हैं। एक्स्ट्रा के जो फैब्रिक है उसे कट करके निकाल लेने हैं ताकि हमारा जो है कॉलर का कॉर्नर होता है जो नोक होती है वो इजीली पलट जाए और अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ पलट जाए। अभी देखिए आप यहाँ पर मैं एक पैर का मार्जिन छोड़ रही हूँ, क्वार्टर इंच इतना ही छोड़ना है हमें सिलाई लगाने के लिए, ये सफिशिएंट होता है। तो इतने ही हमें छोड़ के बाकी के जो फैब्रिक है वो कट करके निकाल लेने हैं। अब इस साइड भी हमारा जो है कॉर्नर अच्छी तरह पलट जाए, नोक पलट जाए, इसके लिए हमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेने हैं। अब हमें जो बकरम हमारा लगा हुआ है इसे कॉलर को पलट लेनी है। पलटने के बाद में एक बार आप इसे अच्छी तरह प्रेस कर ले ताकि ये जो है नोक अच्छी तरह बैठ जाए और आपका कॉलर फिनिशिंग में आ जाए। उसके बाद में हमें यहाँ सेंटर मार्क कर लेना है, जिस तरह हमने नेक राउंड में भी सेंटर मार्क किया है उसी तरह हमें कॉलर में भी सेंटर मार्क करना है ताकि जो सेंटर होते हैं आपस में वो मिल जाए और हमारा कॉलर परफेक्टली बिल्कुल लग जाए। कॉलर तैयार होने के बाद में हमें अब इसमें इसे ज्वाइंट करना है। तो ज्वाइंट करने का सिंपल वही तरीका है जिस तरह हम जो हमारे जो सिंपल कॉलर्स बनाते हैं वही तरीका है, यहाँ पर कुछ भी अलग नहीं है। यहाँ से हमें जो है क्वार्टर इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगाना है पूरे राउंड में। सेंटर मिलाने पर आपको पता चल जाएगा कि आपका कॉलर जो है परफेक्टली आ रहा है, ये कम ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ थोड़ा ऊपर नीचे का फैब्रिक खींच के भी ले सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि नीचे का छोटा हो रहा है या ऊपर का छोटा हो रहा है तो आप उसे थोड़ा खींच के ले तो ये बैठ जाता है। तो ये देखिए हमें धीरे धीरे इसे राउंड में लेते जाना है और कॉलर को बिठाते जाना है, और बस एक पैर का मार्जिन देकर आपको सिलाई देनी है। ये देखिए हमारा जो है यहाँ पर सेंटर पॉइंट आपस में मिल रहा है, हमारे जो कॉलर है वो बराबर बैठ रहे हैं, हमने सही यहाँ पर मेजरमेंट लिया और बिल्कुल सही कट किया है। तो इस तरह हमारा जो है कॉलर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अगर आप यही मेथड से कॉलर लगाएं तो आपको बहुत इजीली और बहुत ही कम टाइम में कॉलर बना सकते हैं आप।
ये देखिए एक सिलाई अभी हमने लगा ली है। अब ऊपर जो हमने प्रेस सिलाई वाला जो बुकरम के साथ अटैच किया हुआ फैब्रिक था उसे भी इसके ऊपर जो नीचे का फैब्रिक है उसे अंदर की तरफ डालना है सिलाई लगा हुआ इस तरह से, और उसके ऊपर हमें एक सिलाई लगा के कॉलर को पैक कर देना है। बस पूरे राउंड में हमें इसी तरह से सिलाई लगा के कॉलर को पैक कर देना है और कॉलर हमारा जो है बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब यहाँ जो हमारा एंड पॉइंट है यहाँ पे हमें सिलाई उतारना नहीं है, हमें ऊपर की तरफ भी प्रेस सिलाई लगा देनी है पूरे राउंड में कॉलर के सभी साइड। इस तरह से प्रेस सिलाई लगा देनी है। मेरे और भी वैन बैन कॉलर जो है बनाए मैंने उसकी वीडियो मैंने डाल रखी है, अगर आप चाहते तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी। और प्लेकेट के भी मैंने वीडियो बनाई है, अगर आप चाहते हैं वी प्लेकेट देखना तो उसकी भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी। सो देखिए यहाँ पर मेरा जो है कॉलर जेंट्स कॉलर जो है बिल्कुल बनकर रेडी है, वो भी बहुत ही आसानी के साथ और ईजीली और बहुत ही फिनिशिंग के साथ कम टाइम में। आप भी ट्राई कीजिए, अपनी कुर्ती को ब्यूटीफुल लुक दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।